नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में और मैं हूं शालू बाल्यान। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। विजयदशमी के दिन आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने एक विशेष तरह का प्रवेश धारण किया हुआ है। माना जाता है कि जो गोरक्षपीठ का महंत होता है वो विजयदशमी के दिन एक राजा की भूमिका में होता है और योगी आदित्यनाथ उसी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आज गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ परिसर में बने सभी मंदिरों में जाकर पूजा करेंगे और 9 दिन तक जो कलश स्थापित किया जाता है आज उसका विसर्जन करेंगे। यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने कक्ष में जाएंगे और दोपहर से उनका तिलक पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के बेगूसराय से सांसद भोला सिंह का शुक्रवार की रात को निधन हो गया। 3 दिन पहले उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी मृत्यु पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनकी मृत्यु पर शोक जताते हुए उनके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें कि भोला सिंह का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। बेगूसराय से 8 बार विधायक रहने वाले भोला सिंह 1967 में पहली बार लेफ्ट के समर्थक से विधायक बने। 2009 में नवादा लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद बने और 2014 में बेगूसराय सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। यूपी के शामली जिले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। पकड़ा गया बदमाश बब्बर खालसा और खालिस्तान समर्थक संगठन से जुड़ा है, जिसे अब पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने इस बदमाश के पास से एक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ के बाद बदमाश ने बताया कि उसका मकसद अगले कुछ दिनों में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की रैली में आतंक फैलाना और उनकी हत्या करने का था। आपको बता दें कि पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य अपराधी और 3 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब बाकी के बदमाशों को पकड़ने की तलाश में जुटी हुई है। सर, जर्मन का प्लान था, जर्मन ने लुटवाई थी। क्या प्लान था पता नहीं सर, वो तो उसके पता किस लिए लुटवाई थी उसने। उसके साथ पहले क्या क्या कांड कर चुके थे? कुछ नहीं किया सर। क्यों? पहले वाली था। गोली किसने मारी थी? गुरजंट सिंह ने। गुरजंट सिंह उसने तो तुम्हारा नाम लिया। झूठ बोल रहा सर। वैसे क्या काम करते हो आप? सर, भर्ती वगैरह मारता हूँ। हैं? आर्मी की तैयारी करता हूँ सर। आर्मी की तैयारी थी कर रहे थे। शामली जनपद के झिंझा थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर को 2 राइफल की लूट हुई थी। उसमें 2 राइफल के साथ 2 अभियुक्त पहले से गिरफ्तार हैं। तीसरा जो कर्मा और करमवीर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में कल पेश किया जाएगा कि कर्मा के जर्मन से और खालिस्तान संगठन से संबंध है। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सफाई कर्मचारी को एक युवक ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि घायल को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही सफाई कर्मचारी के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए, साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा भी लिया। ये सफाई कर्मचारी के गोली मार दी है, सफाई को लेकर कोई विवाद था और वहाँ उसके कान से मार हो गई है गोली, चान से मार गई की नियत से मारी गई है। सफाई कर्मचारी अपना सफाई कार्य कर रहा था, किसी बात को लेकर तो कुछ भी हो गया होगा। थाना सिविल लाइन स्थित जिगर कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया है, इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई जानकारी है कि क्या विवाद है, किसके चलते ये घटना को अंजाम दिया? इन सभी बातों पे जांच की जा रही है, मेडिकल के बाद स्थिति और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बिजनौर पुलिस ने 27 सितंबर के राकेश हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस इस घटना के बाद से ही इनकी तलाश में जुट गई थी। इन पर 1,00,000 का इनाम भी था। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी आदित्य गैंग के शूटर हैं। पिछले वर्ष राकेश के भाई मुकेश को भी आदित्य गैंग ने ही मरवाया था। वहीं मुकेश के मुकदमे में राकेश की गवाही होने वाली थी और उस गवाही को रोकने के लिए ही राकेश का भी कत्ल करवा दिया गया। दोनों आरोपी काफी समय से फरार थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। 27/9/2018 की घटना है, जिसमें कि अज्ञात बदमाशों ने राणा नगला के निकट बरखेड़ा में राकेश की गोली मार के हत्या कर दी थी। राकेश के भाई की पिछले वर्ष हत्या हुई थी और उस क्रम में जब विवेचना की गई तो घटना का अनावरण हुआ कि इसमें आदित्य गैंग का हाथ है और इसमें इस घटना में
प्रदीप, पीयूष, सोनू और अक्षय, ये चार लोग प्रकाश में आए, जिसमें आज प्रदीप और पीयूष की गिरफ्तारी हुई, मैं आला कतल की इनकी गिरफ्तारी हुई और इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी किया। इटावा के गांव कल्याणपुर में एक बच्चे की लाश नहर में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। ये लाश उस वक्त मिली जब सुबह एक बच्चे को नहर के पास से गुजरते हुए बच्चे की लाश तैरती हुई दिखी, जिसके बाद बच्चे ने गांव वालों को बताया और ग्रामीणों ने बच्चे को नहर से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करने की कोशिश की और आसपास के लोगों से भी बातचीत की, लेकिन बच्चे की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक बच्चा स्कूल की ड्रेस भी पहना हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की गला काटकर हत्या करने के बाद उसकी लाश को पानी में फेंक दिया गया था। क्या हुआ यहाँ नहर में, आपने आज सवेरे क्या देखा? मिट्टी। लाश देखी है, किसी बच्चे की या किसी आदमी की? बच्चे की। क्या बहती हुई आ रही थी? हाँ, बहती हुई आ रही थी। फिर वो उसके बाद कहाँ गई लाश? कुत्तों ने छी। फिर उसके बाद क्या गाँव के लोग भी आए थे क्या? आपके क्षेत्र का तो नहीं है, गांव का तो नहीं है ये बच्चा? जनपद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। कसौली गांव में 3 दिन पहले पतंग उड़ाने को लेकर बच्चों में हुई झगड़े को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और मामले को रफा दफा कर दिया। इस मामूली झगड़े को लेकर दोनों पक्षों में फिर संघर्ष हो गया। यही नहीं, दोनों ने जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार भी चलाए, जिसमें 8 लोगों के घायल होने की खबर है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती करा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। थाना चरसावल के क्षेत्र के कसौली गांव में परसों 17 तारीख को दो पक्षों में बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, बच्चों के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। तब उस गाँव के लोगों ने लोग समझा बुझा दिया था, बात वहीं पर खत्म हो गई थी। आज फिर उनके कोई बात हो गई, एक पक्ष के लड़के ने कुछ अपशब्द बोल दिया कहीं रास्ते में और दोनों पक्ष लोग खुला करने के लिए एकत्रित हो रहे थे, इसी पर बात बिगड़ गई। खुला होने के बजाय और उसका विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में ईंटा पत्थर चले, मारपीट हुई। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने नेपाल सिंह महिला महाविद्यालय में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है और मामले में 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 3,000 लीटर देसी शराब, 20,000 अवैध देसी शराब के साथ शराब बनाने के उपकरणों को भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ के प्रबंधक और इन्हीं की पत्नी हर गांव ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी और काफी समय से इस धंधे को महाविद्यालय में चला रहे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। बांदा में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। शहर में करीब 250 देवी माताओं के पंडाल सजाए गए। सुंदर झांकियों के बीच भक्तजन नाचते झूमते नजर आए। भक्तों ने झांकियों में जमकर अबीर गुलाल बरसाया। वहीं विसर्जन के दौरान मूर्ति को आगे पीछे करने को लेकर नशे में धुत युवकों में कहासुनी हो गई, जिसे युवकों ने आपस में जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और दुर्गा विसर्जन को सफल बनाया। विमान वालों ने मुझे उठाया, और मैं गला था मुझसे बड़ा ठंडा ही पड़ा, उसे मारा, उसे पकड़ के पुलिस वालों को दिया, पुलिस वालों को छोड़ दिया। यूपी के मऊ में हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां पर नवरात्रि के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान मुसलमानों ने जगह जगह स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को जलपान कराया। वहीं शाहनवाज आलम ने कहा कि हम उन अराजक तत्वों को संदेश देना चाहते हैं जो हिंदू और मुसलमानों को लड़वाते रहते हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, यही इंसानियत है। मसान जो है, जो लोग रास्ते में आ जा रहे हैं उनके लिए नाश्ता पानी और चाय पानी का व्यवस्था किया गया है। हम संदेश देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और बहुत से अराजक तत्व जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते रहते हैं, वो हम लोग संदेश देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम एक है और भाईचारे। रायपुर में विजयदशमी के मौके पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अफसरों ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से हथियारों की पूजा की। इस मौके पर एसपी अमरेश मिश्रा, आरआई चंद्र प्रकाश तिवारी सहित कई सीएसपी और थानों के टीआई भी मौजूद रहे, जहां एसपी अमरेश मिश्रा ने विजयदशमी के लोगों को शुभकामनाएं भी दी।
मऊ जिले के नगर क्षेत्र के दशई पोखरा स्थान पर 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रावण का दहन किया गया। इस दौरान विशाल दशहरा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसके बाद उमड़ी भीड़ ने राम रावण के बीच हुए युद्ध का आनंद लेने के बाद रावण वध का लुत्फ उठाया। इस तरह से एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत पर दशहरा को मनाया गया। 400 साल से ये परंपरा चली आ रही है। देखिए सामने देखिए, हमने इसको चाहा है कि जो ओरिजिनल होता है, जो भारत की संस्कृति है, स्टेज लीला यहाँ नहीं होती है, सब कुछ फील्ड में होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत में पर मनाया जाता है। और यहाँ देख रहे हैं आप 50,000 की भीड़ है। भीड़ में भी रावण साहब का कार्यक्रम हुआ, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था होने का, जनता बहुत अच्छे से आनंद लिए मेला का। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव 24 के साथ। नमस्कार।